नमस्कार, न्यूज बिहार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। असम का एनआरसी मुद्दा आजकल सुर्खियों में है। जैसा कि आप जानते होंगे खबरों के माध्यम से कि 40 लाख लोगों की सदस्यता को रद्द कर दी गई है। यह मुद्दा बहुत ही गर्म हो चुका है इन दिनों और आज संसद में भी इस पर लेकर जोरदार हंगामा हुआ। संसद के अंदर हंगामा हुआ ये तो चलता है, क्योंकि नागरिकों के भलाई के लिए ही संसद बनाई गई है, वहाँ पर चर्चा के दौरान हंगामा होता है। लेकिन संसद से बाहर भी आपसी विवाद होना ये कुछ अलग बात है। आप समझ नहीं रहे होंगे, पहले इस वीडियो को देख के आइए, फिर हम समझाते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एक तरफ भाजपा के सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के भी एमपी प्रदीप भट्टाचार्य के बीच में तूतू मैमे होने लगी। अश्विनी चौबे ने साफ साफ लफ्जों में पूछा, हु आर यू? प्रदीप भट्टाचार्य ने इस पर रिप्लाई करते हुए कहा कि आई एम द एमपी ऑफ दिस पार्लियामेंट। तो संसद के अंदर हंगामा हो अच्छी बात है, बहस हो अच्छी बात है, लेकिन बाहर में ये होना ये काफी एक तरह से कह सकते हैं कि मर्यादा का उल्लंघन करना हुआ है। खैर, बाद में इसके बाद अश्विनी चौबे ने इस मामले को ठंडा करते हुए रफा दफा करने की कोशिश की है। अब जो मुद्दा है एनआरसी वाला, अब उसमें देखने वाली बात है कि आज सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद इस पर यह फैसला कहां तक आता है कि आखिर 40 लाख लोगों को जो कहा गया है कि जो बांग्लादेशी से हैं उनकी सदस्यता पर क्या होता है। सरकार ने ऐसे समय दिया है उनको सदस्यता साबित करने के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप न्यूज़ बिहार के साथ बने रहें, हम पल पल आपको हर एक खबरों के साथ अपडेट करते रहेंगे। और हाँ, एक और बड़ी खबर है, खैर बड़ी खबर नहीं है, वो जो नीचे में बेल है ना उसे दबा दीजिए ताकि हर एक बड़ी खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहें। पल पल न्यूज़ बिहार और भारत लाइव आप तक हर एक खबरों को पहुंचाते रहें, आप घर बैठे ही सारे खबरों को जान जाएंगे। बने रहिए न्यूज़ बिहार के साथ, धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।